भागवत गीता का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अधम अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ कराना तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति वो चुगी न करना वह सब प्राणियों पर दया तृष्टा से बचना कोमल स्वभाव चपलता का त्याग क्षमा जित पवित्रता द्वेष रहित अभिमान न करना देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों के ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देव ये संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्त तथा अधर्म में निवृत्त असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचार न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्पबुद्धि दारुण कर्म करने वाले संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी मान और मद से युक्त पुरुष नीचे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोप भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वत्र मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन से फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार बल घमंड काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थिर मुझ में द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं, इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए।